हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे डिफेंस के एक बेहद ही खास अपडेट के बारे में, और वो एलसीए तेजस को लेकर है। हमारा एलसीए तेजस, जिसका लिफ्ट वेरिएंट यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर, उसे यूएस नेवी को ऑफर किया गया है। इसके लिए यूएस नेवी ने आरएफआई निकाला था, यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, और उसी के जवाब में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपने तेजस लिफ्ट वर्जन को उन्हें ऑफर किया है। यूएस नेवी को अपने पुराने T-45 गो शॉक्स को रिप्लेस करना है, चेंज करना है, और यही कारण है कि उन्होंने ये आरएफआई निकाला है। चूंकि यूएस नेवी के लिए है, इसलिए डेफिनेटली इसमें जो कंडीशंस होंगी उस आरएफआई में, उसमें ये सारी जो प्रक्रिया है उससे उस हर फाइटर को गुजरना होगा, यानी टच एंड गो, टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी उस फाइटर एयरक्राफ्ट को, ट्रेनर को कंसिडर किया जाएगा। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि तेजस हमारे बाकी सारे कंटेंडर से सबसे आगे होगा। उसका कारण ये है दोस्तों कि कई लोगों को ये गलतफहमी है कि हमारा लिफ्ट वेरिएंट जो है वो LCA मार्क 1 पे आधारित है, यानी उसके ऊपर ये बेस्ड है, पर ये गलत है। हमारा जो लिफ्ट वेरिएंट है यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर, वो हमारे सबसे आधुनिक, सबसे एडवांस्ड मार्क 1A पर आधारित है, और इसी वजह से अगर हम इसे बाकी कंटेंडर्स के साथ कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि हमारा LCA तेजस उन सब फाइटर ट्रेनर से आगे होगा। चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे फाइटर ट्रेनर्स हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं। तो सबसे पहले है इटालियन लियोनार्डो T-100। इसमें दो हनीवेल का टर्बोफाइन इंजन लगा हुआ है जो 28 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट जनरेट करता है, और अगर दो इंजन भी है तो कुल मिला के ये 56 किलो न्यूटन हुआ, तो भी ये कैरियर बेस्ड फाइटर के रूप में शामिल नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं बोइंग और सैप का कोलैबोरेशन T-7 रेड हॉक। इसमें सेम इंजन लगा हुआ है G-404 जो तेजस में भी लगा हुआ है, पर इसमें भी 76 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट जनरेट होता है विद आफ्टर बर्नर, वहीं तेजस में ये ज़्यादा है। हम देखेंगे हमारा तेजस 90 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट जनरेट करता है विद आफ्टर बर्नर। इसके बाद जो सबसे मजबूत दावेदार है तेजस के अलावा, वो है साउथ कोरियन T-50। इसमें जो रडार है वो सेम लगा हुआ है इजरायली एल्टा ELM-2032 फायर कंट्रोल रडार जो हमारे तेजस 1 में लगा हुआ है, यानी MK-1 में, और साथ में जो इंजन है वो G-404 है और ये 78 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट जनरेट करता है 40-50। लेकिन वहीं अगर हम तेजस की बात करें तो इसमें जो इंजन है G-404F2 IN-20, वो 90 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट जनरेट करता है विद आफ्टर बर्नर। और इसके अलावा एक और चीज़ जो इन हमारे तेजस को बाकी ट्रेनर फाइटर से अलग करती हैं, वो है इसका रडार। इसका जो रडार है वो ऐसा रडार होगा इसमें, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लिफ्ट वर्जन है ये हमारे सबसे एडवांस्ड तेजस MK-1A पर आधारित होगा, और इसी वजह से इसमें जो रडार होगा वो या तो इजरायली एल्टा ELM-2052 होगा या फिर उत्तम रडार होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा, और इसके अलावा BVR मिसाइल्स फायर करने की कैपेबिलिटीज होंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उन बाकी तीनों फाइटर ट्रेनर से तेजस को सबसे आगे रखती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी खूबियां उन बाकी ट्रेनर्स में है। जो हमारा लिफ्ट है उसकी शुरुआत 2018 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने की थी, जब इन्होंने अपने स्पोर्ट मॉडल को लॉन्च किया था, यानी सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट, और उसी साल अक्टूबर में इसका नाम बदलकर लिफ्ट कर दिया गया था, यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर।
चूंकि लिफ्ट को यानी हमारे लीड इन फाइटर ट्रेनर को यूएस के टीएक्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना था, इसीलिए इसे अपग्रेड करके यानी लिफ्ट को पेश किया गया था यूएस एयरफोर्स के सामने। पर अनफॉर्चुनेटली यूएस एयरफोर्स ने अपने ही बोइंग और सैप के जो कोलाब्रेशन है T-7 रेड हॉक, उसे उन्होंने शामिल किया था, और ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट था। पर मुझे लगता है कि इस बार शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो तेजस लिफ्ट वेरिएंट जो है, वर्जन है, वो सबसे एडवांस्ड है और सबसे बेहतर है। अब हम किसी भी मायनों में अगर तुलना करें बाकी तीन से, तो ये सबसे, मुझे सबसे बेहतर ही दिखता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा तेजस लिफ्ट वर्जन यूएस नेवी को पसंद आए और वो इसे शामिल करें अपने बेड़े में, यानी एज ए ट्रेनर फाइटर। तो इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।